आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आधुनिक अवधि की गौरवशाली परंपरा में लक्ष्मण प्रसाद मित्र का नाम अग्रण्य है। वे मूलतः ग्राम संस्कृति और श्रम संस्कृति के गायक हैं। गांधीवादी परंपरा के पोषक मित्र जी ने अपने साहित्य में गांधीवादी विचारधारा को प्रमुख स्थान दिया। ये विचार अध्यक्षता करते हुए विजय प्रसाद त्रिपाठी अध्यक्ष अवध प्रांत अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने प्रेस क्लब में आयोजित मित्र स्मृति अवधि सम्मान 2023 के अवसर पर व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधाकर अदीब पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने मित्र के नाटकों की चर्चा करते हुए कहा कि मित्र जी ने अवधी और खड़ी बोली में 15 नाटक और एकांकी लिखे हैं। इन नाटकों में समकालीन समाज की विसंगतियों को बहुत सलीके से दर्शाया गया है। इस वर्ष का मित्र स्मृति अवधि सम्मान 2023 आजादी से पूर्व के वरिष्ठ अवधि साहित्यकार पूर्व विधायक वंशीधर शुक्ल के पुत्र सिद्धार्थ साहित्यकार पंडित सत्यधर शुक्ल खीरी को प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत 11,000 रुपए की धनराशि स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि साहित्यिक संस्था परिकल्पना के संस्थापक रविंद्र प्रभात, साहित्य समीक्षक डॉक्टर आराध्य शुक्ल, एस गोपाल, कुमार तरल, विष्णु कुमार शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में संस्था अध्यक्ष अजय साहू ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में लखनऊ, सीतापुर, खीरी, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर सहित अनेक जनपदों से प्रोफेसर अर्जुन पांडे, राकेश गुप्ता, अशोक साहू, धर्मेंद्र गुप्ता, निहारिका साहू, विद्या साहू, प्रीति साहू, लोक संस्कृति शोध संस्थान की सचिव सुधा द्विवेदी, जितेंद्र मिश्र टीटू, अवध भारती संस्थान के उपाध्यक्ष पप्पू अवस्थी, विष्णु कुमार शर्मा व फिल्म राइटर डायरेक्टर अजय द्विवेदी सहित साहित्यकार व परिजन उपस्थित रहे। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। आप अवधी भाषा में लिखते हैं? हमने अवधी और खड़ी बोली बराबर लिखते हैं। तो आपकी कौन सी कृति ऐसी है जो लोगों को ज्यादा पसंद है? अवधी में हमारा प्रथम काव्य है अर्घान, 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 और अर्घान के बाद एक छोटी की दबिया साथ में ही है बसंत का ब्याह, और तीसरा जो महाकाव्य है ध्रुव, उसकी बड़ी चर्चा है, उसके ऊपर PhD की भी हो चुकी है, डॉक्टर पल्लवी कश्यप ने किया, और वो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है इस समय बलरामपुर में, तो उसने PhD की है हमारे उस ध्रुव महाकाव्य के ऊपर। एक एक पत्रिका हम छापते हैं पिताजी की, हमारे बहुत चर्चित रचना है राम मड़ैया, नदी किनारे सड़कन गली द्वारे भरी तलैया, वही बनी निबियन के नीचे अपनी राम मड़ैया, जहाँ बयारी लगावे झाड़ू जुगनू दिया दिखावें, स्वर सियार गिद चिल्हरिया कूड़ा सहित उठावें, चिड़ई कौआ काका कहके जाग जगा सुहावें, हुई हुई अथई अथई के सविता दिनों और रात ही बतावें, जहाँ बंदरवा ढाका डारें चोरी करें बिलैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया। तो राम मड़ैया के नाम पर ये बड़ा चर्चित रचना है, इसका ऊपर डॉक्टर हरिकृष्ण वस्ती ने भी इसकी और राजा की कोठी की चर्चा की। अच्छा दादा, आजकल जो नए साहित्यकार हैं उनके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? हम उनके लिए तो हम जो देंगे संजीवनी दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं, हाँ, वैसे हमारा आशीर्वाद हमारी प्रेरणा उनके लिए बहुत है। हम चाहते हैं ये सभी हमसे आगे निकलें और आगे बढ़ें और अपने को सक्षम साहित्यकार के रूप में प्रदर्शित करें। मैं डॉक्टर संतलाल, पूर्व प्राध्यापक हिंदी फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली, आज यहाँ अवधि के विख्यात कवि श्री लक्ष्मण प्रसाद मित्र जी के नाम पर जो पुरस्कार दिया जा रहा है उस समारोह को में भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। लक्ष्मण प्रसाद मित्र एक ऐसा नाम है जिन्होंने
आज़ादी की लड़ाई में अवधि को एक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया। उन्होंने अवधि में ढेर सारी रचनाएं लिखीं। आज़ादी के पहले ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और आज़ादी के बाद जब देखा कि सरकारों में विसंगतियां पैदा हो रही हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे समय में उन्होंने शासन का भी विरोध करना शुरू किया। आज जिनको श्री लक्ष्मण प्रसाद मित्र पुरस्कार दिया जा रहा है वह हैं डॉक्टर सत्यधर शुक्ल जी। उन्होंने अवधि में करीबन 25 पुस्तकों की रचना की है, गद्य में भी किया है, पद्य में भी किया है, और मैं समझता हूँ कि अवधि के उन नायकों में पंडित बंसीधर शुक्ल, लक्ष्मण प्रसाद मित्र, रमई काका, मृगेश जी और परहीस जी के बाद पंडित सत्यधर शुक्ल का नाम लिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अवधि को आधुनिकता प्रदान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैं BMS कॉलेज तिलोई में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद पर हूँ और आज मित्र सेवा संस्थान की ओर से मित्र अवधि सम्मान में के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आया हूँ। यह कार्यक्रम 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और किसी एक अवधि के प्रसिद्ध साहित्यकार को यह पुरस्कार दिया जाता है। विगत कई वर्षों से ये आयोजन डॉक्टर राम बहादुर मिश्र के सौजन्य से आयोजित होता रहा है। ये लक्ष्मण प्रसाद मित्र जी, जिनका शायद वास्तविक मूल्यांकन आज तक नहीं हो पाया, कारण ये था कि उनकी जो कृतियां हैं वो प्रकाशित नहीं हो पाई थी, लेकिन जब अवध भारती संस्थान की ओर से उनकी कृतियों का प्रकाशन हुआ है तब उनके ऊपर निरंतर शोध कार्य प्रारंभ हो गया है। मैं भी अवधि के विषय पर ही शोध कर रहा हूँ, अवध भारती संस्थान पर शोध कार्य मेरा चल रहा है और मैंने लक्ष्मण प्रसाद मित्र की कृतियों का अध्ययन किया है और उसमें हमने ये पाया है कि वर्तमान समय में हिंदी में जितने भी प्रकार के विमर्श चल रहे हैं वो सारे विमर्श उनकी कृतियों में उपस्थित हैं। इसलिए निरंतर रूप से लक्ष्मण प्रसाद मित्र की अध्ययन करने की ज़रूरत है, उनकी कृतियों को पढ़ने की ज़रूरत है और उनके साहित्य को समाज में प्रचारित करने की ज़रूरत है। जी, हमारा नाम डॉक्टर आकांक्षा दीक्षित है। इस समय हम जिला समाज के अधिकारी के तौर पर ये मुख्यालय में काम कर रहे हैं। जो राम प्रोफेसर डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी जो काम कर रहे हैं, ये काम इतना अच्छा काम है क्योंकि अवधि हमारी मातृभाषा है और उसको इतना, जिस भाषा में रामचरितमानस जैसा काव्य लिखा गया उसको महत्व नहीं दिया जा रहा आजकल। ये सामान्य जन के बीच में ये एक सामान्य धारणा है कि ये जो है गाँव के लोगों की भाषा है या गंवार लोगों की भाषा है, तो इसको उस स्तर से उठा करके उसमें जितना भी काम किया गया साहित्य के क्षेत्र में उसको सम्मान दिलाने का काम जो मिश्र जी द्वारा किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है। इसी क्रम में उनके द्वारा जो मित्र अवधि सम्मान दिया जा रहा है, आज पंडित सत्यधर शुक्ल जी को ये सम्मान दिया जा रहा है जो पीढ़ियों से अवधि की सेवा में कार्यरत है। उनको पहले भी बहुत सारे जैसे सम्मान और इस तरह के सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, तो उनको किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है। और इस तरह के साहित्यकारों को सम्मानित किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर जिससे जो ये लोक भाषाओं में जो काम हो रहा है उसको एक सही स्थान मिल पाएगा जो जिसका वो अधिकारी है। प्रसाद मित्र जी का नाती हूँ और ये जो इस समय इनका आयोजन हो रहा है प्रसाद मित्र स्मृति संस्थान, ये अपनी माता जी की प्रेरणा से पिछले 6 साल पहले से इसको शुरू किया है। नाना जी हमारे अवधि के लेखक थे, जिसमें उन्होंने काव्य भी लिखा है, गद्य भी लिखा है, पद्य भी लिखा है, पर उस समय के कालखंड को कहें कि उनका जो रचनाएं थी वो प्रकाशित नहीं हो पाई थी और वो सब जो है काल के गर्त में चली गई। फिर मेरी माता जी के अथक प्रयास से उनको ढूंढ करके फिर निकाला गया और उनका प्रकाशन कराया गया, जैसा उन्होंने मुझे आदेशित किया, जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया। हमारे राम बहादुर मिश्र जी की सहयोग से हम उनकी रचनाओं को लोगों तक लाए। आज पता लगता है कि उन्होंने क्या छोड़ा था और क्या था, वो गड़ा हुआ खजाना था जिसके ऊपर गर्द इतनी पहचान नहीं आता था, लोहे जैसा, लेकिन जब वो साफ किया गया है तो सोने जैसा खजाना है। वो इतनी रचनाएं उन्होंने की है जो आगे भी लोगों के बहुत काम आएंगी, अवधि के उत्थान में, अवधि को समझने में, उस कालखंड को समझने में। तो मेरा यही सतत प्रयास है और मैं एक चीज़ ये भी चाहता हूँ कि अवधि जो अवध क्षेत्र की भाषा है आज जो इतनी संकुचित हो गई है, मैं जन माध्यम के साथ कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इसका उपयोग करें, अधिक से अधिक इसको प्रयोग मिलाएं, इसको पुनर्जीवित करना है। जैसे आज अयोध्या जीवित हो रही है,
हमें अवधि भी जीवित करनी पड़ेगी, इसके लिए हमको कृत संकल्प होना चाहिए, तभी हम अयोध्या के साथ अवधि को भी बचा पाएंगे। मेरा नाम अजय द्विवेदी है। लक्ष्मण प्रसाद मित्र साहित्य सम्मान, ये ऐसा सम्मान है जिसको होने में हमको सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये सम्मान ऐसा है कि जब मुझे पहली बार बातचीत हुई थी इस बारे में, और मैं नाटक नहीं किया करता था, तो मुझे कहा गया कि भई आप नाटक करिए, तो मैंने अजय साहू जी से मुलाकात हुई, मेरी बातचीत हुई, और मैंने प्रथम नाटक सुनीता का मंचन किया, उसका नाट्य रूपांतर किया और मंचन किया। उसके उपरांत जब हमने अजय से मुलाकात होने के बाद साहित्य देखा, तो साहित्य की स्थिति ये थी कि उसका अगर एक पेपर उठा के आप मोड़ देना थोड़ा सा, तो वो फट जाए, दो टुकड़ों में विभाजित हो जाए, ऐसा साहित्य हो गया था। फिर ये हुआ कि उसको संकलन करके कैसे उस तरह खूबसूरत बनाया जाए। अब समस्या यहाँ पे आती है कि कोई भी साहित्य या कोई भी कला के क्षेत्र का ऐसा इंसान होना चाहिए जो उस चीज़ को प्रॉपर अच्छे तरीके से कर सके। उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आए भी और गए भी, पर मुझे जो उचित लगा वो राम बहादुर मिश्रा का नाम उचित लगा, क्योंकि मुझे लगा जो आदमी साहित्य की सेवा कर सकता है, दूसरा अजय साहू के नेचर और उनके नेचर को मैच भी कर सके, दोनों का एक योग्य बन सके, तो दोनों लोगों को मिलाया। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, ये संस्थान हर साल लक्ष्मण प्रसाद मित्र साहित्य सम्मान से एक विभूति को सम्मानित करता है, और पहले इसकी राशि 5,000 थी, आज 11,000 रुपये हो गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊँ, मैंने जो सुनीता का मंचन किया था, आज वो एक फिल्म का रूप ले चुका है, उसकी फिल्म के रूप में स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ जमा भी हो गई है, और जल्द ही आपको वो फिल्म सिनेमा हॉल में देखने को मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।